वेलकम टू वाइसेज। जब ग्रोथ हाई हो और उसकी तुलना में वैल्यूएशन कम हो, दैट्स व्हेन यू गेट अ मल्टीबैगर। ये सिंपल स्ट्रेटजी वर्ल्ड की किसी भी इक्विटी मार्केट में काम करेगी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। इंडियन इन्वेस्टर मिस्टर रामदेव अग्रवाल इन्हीं स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हैं। नाउ दिस ईयर आई थिंक दे विल डिलीवर रिकॉर्ड प्रॉफिट। आई थिंक इट विल बी अपवर्ड्स ऑफ 150,000 करोड़ और मे बी 2 लाख करोड़। एसबीआई No, total PSU as a basket. यह वीडियो उनके कुछ मिड कैप स्टॉक्स व स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में है। He believes in value investing. Mr. Ramdev Agrawal believes that success in equity investment can be achieved through the 3 Ds of investing: discipline, diversification and differentiating between value and prices. स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए मिस्टर रामदेव अग्रवाल QGLP फॉर्मूला पर भी काफी स्ट्रेस करते हैं। दैट इज क्वालिटी, ग्रोथ इन अर्निंग्स एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, लॉन्जेविटी एंड प्राइस ऑफ द कंपनी। सबसे पहले कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट के 2 स्टॉक्स देख लेते हैं। द फर्स्ट मिड कैप स्टॉक इज ब्लू स्टार लिमिटेड, केटरिंग द एयर कंडीशनर्स इंडस्ट्री। यह स्टॉक 900 रुपयों के करीब ट्रेड कर रहा है। इसका मार्केट कैप 17,000 करोड़, ROC 24%, ROE 23% है। यह 41% का डिविडेंड पे आउट दे रही है। इसका स्टॉक प्राइस 64% के कागर के साथ बढ़ रहा है। ब्लू स्टार मैन्युफैक्चरर्स एयर प्योरीफायर्स, एयर कूलर्स, वाटर प्योरीफायर्स, कोल्ड स्टोरेज एंड स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। यह इंडिया की लार्जेस्ट आफ्टर सेल्स सर्विस प्रोवाइडर है फॉर एयर कंडीशनिंग एंड कमर्शियल रेफ्रिजरेशन प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट स्टॉक पिक्ड बाय मिस्टर रामदेव अग्रवाल फ्रॉम कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर्स एम्पर एंटरप्राइजेस इंडिया लिमिटेड। यह इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स इंडस्ट्री को केटर कर रही है। इंडिया के रूम एयर कंडीशनर मार्केट में इसका 23% मार्केट शेयर है। यह इस इंडस्ट्री में प्रोमिनेंट ओरिजिनल इक्विपमेंट वो डिजाइन मैन्युफैक्चरर है। इसका शेयर प्राइस 3,000 रुपयों के करीब है। ROC 10% व ROE 8% है। स्टॉक प्राइस 33% से बढ़ रहा है। नेक्स्ट मिड कैप स्टॉक फ्रॉम मिस्टर रामदेव अग्रवाल स्टॉक पोर्टफोलियो इज ग्लैंड फार्मा लिमिटेड। इसका मार्केट कैप 27,000 करोड़ रुपीस है। करंट स्टॉक प्राइस 16 रुपीस है। ROC 14% व ROE 10% है। ग्लैंड फार्मा लिमिटेड को एक मेजर फार्मा कंपनी शंघाई फोशून फार्मा प्रमोट करती है। इसका बिजनेस B2B है। यह इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इंजेक्टेबल फोकस्ड कंपनीज में से एक है, विद एन एक्सेलेंट ट्रैक रिकॉर्ड इन द डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल्स। मिस्टर रामदेव अग्रवाल ने मेजरली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, कंज्यूमर ड्रिवन इंडस्ट्रीज और IT सेक्टर में सबसे ज्यादा निवेश किया है। उनके पोर्टफोलियो के सभी लार्ज कैप स्टॉक्स और अधिकतर मिड कैप कंपनीज पिछले वीडियो में डिस्कस किए जा चुके हैं। लेट अस नाउ डिस्कस द स्मॉल कैप स्टॉक्स फ्रॉम मिस्टर रामदेव अग्रवाल्स पोर्टफोलियो। द फर्स्ट स्मॉल कैप स्टॉक इज फ्रॉम हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर। होम फर्स्ट फाइनेंस की सेल्स ग्रोथ 40% से बढ़ रही है फ्रॉम पास्ट 5 ईयर्स। इसका मार्केट कैप 7,000 करोड़, करंट प्राइस 800 रुपीज, ROC 10% व ROE 13% है। यह लोअर इनकम ब्रैकेट के कंज्यूमर्स को अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स प्रोवाइड करती है, दैट टू वेरी फास्ट। इस सेगमेंट में बिग लैंडर्स इंटरेस्ट नहीं लेते, इसलिए होम फर्स्ट फाइनेंस जैसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के पास इसमें एक्सपैंड कर प्रॉफिट्स अर्न करने का अच्छा मौका है। मिस्टर सौरभ मुखर्जी इज ऑल्सो इंक्लूडेड दिस स्टॉक इन हिज मार्सिलिस लिटिल चैंप्स पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। हाउएवर, इट कैन फेस टफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम स्मॉल कैपिटल कंपनीज लाइक आवास फाइनेंसियर्स दैट केटर द सेम सेगमेंट। व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस, डू शेयर इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट स्मॉल कैप स्टॉक है MP बिरला ग्रुप की कंपनी बिरला कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसका मार्केट कैप 9,000 करोड़ रुपीस है और करंट शेयर प्राइस 1,200 रुपीस है। इसका ROC महज 3%, यह 26% का डिविडेंड पे आउट दे रही है। यह डिफरेंट टाइप्स की सीमेंट्स मैन्युफैक्चर करती है और जूट गुड्स इंडस्ट्री में भी इसकी प्रेजेंस है। नेक्स्ट स्मॉल कैप स्टॉक फ्रॉम मिस्टर रामदेव अग्रवाल पोर्टफोलियो इस VIP इंडस्ट्रीज। यह लगेज, बैग्स, हैंड बैग्स और एक्सेसरीज की मैन्युफैक्चरिंग व मार्केटिंग करती है। इसका मार्केट कैप 9,000 करोड़ रुपीज़ व करंट शेयर प्राइस 650 रुपीज़ है।
वीआईपी इंडस्ट्रीज का आरओसी 27% और आरओई 29% है। ये 31% का डिविडेंड पे आउट दे रही है और प्लास्टिक प्रोडक्ट सेक्टर के मोल्डेड लगेज इंडस्ट्री की सेकेंड मार्केट लीडर है। फिर इसी सेक्टर की फर्स्ट मार्केट लीडर सफारी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड में भी मिस्टर रामदेव अग्रवाल ने निवेश किया हुआ है। इसके पास करीब 22% का मार्केट शेयर है इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ लगेज एंड लगेज एक्सेसरीज। लगेज दो तरह के होते हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट लगेज। सफारी इंडस्ट्रीज हार्ड लगेज इन हाउस इंडिया में मैन्युफैक्चर करती है इन इट्स प्लांट बेस्ड इन गुजरात। वहीं सॉफ्ट लगेज को प्राइमरीली इम्पोर्ट किया जाता है। इसका मार्केट कैप 9,000 करोड़, करंट प्राइस 4,000 रुपयों के करीब है। आरओसी 37% व आरओई 34%। इसका स्टॉक प्राइस 134% के कागर के साथ बढ़ा है। अगला स्मॉल कैप स्टॉक जिसमें मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के थ्रू मिस्टर रामदेव अग्रवाल ने निवेश किया है वह है प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स लिमिटेड। यह इनिशियली पीवीसी प्रोडक्ट्स बनाते थे, अब यह चार तरह के पॉलीमर पाइपिंग सॉल्यूशंस बनाते हैं, दैट इज सीपीवीसी, यूपीवीसी, एचडीपीई और पीपीआर। इसका मार्केट कैप 7,000 करोड़, करंट प्राइस 700 रुपीज, आरओसी 12% है। देन वी हैव एस्टेक लाइफ साइंसेज लिमिटेड फ्रॉम द एग्रोकेमिकल सेक्टर। यह पेस्टिसाइड्स और एग्रीकल्चर रिलेटेड बल्क एंड फॉर्मुलेशंस मैन्युफैक्चर कर इंडिया में सेल करने के साथ एक्सपोर्ट भी करती है। इसका मार्केट कैप महज 2500 करोड़ रुपए है और करंट प्राइस 1300 रुपए है। आरओसी 7% और आरओई 6% है। नेक्स्ट स्मॉल कैप स्टॉक सुप्रिया लाइफ साइंस लिमिटेड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी एपीआईस मैन्युफैक्चर करती है। इस फार्मा कंपनी का मार्केट कैप महज 2200 करोड़ रुपए है, करंट प्राइस 28 रुपए, आरओसी 18% व आरओई 13% है। यह एंटीहिस्टामिन, एनल्जेसिक, एनेस्थेटिक, विटामिन, एंटी एस्थमिक एंड एंटी एलर्जिक जैसे डाइवर्स थेरेप्यूटिक सेगमेंट्स को केटर कर रही है, प्रोड्यूसिंग अराउंड 40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपीआईज। फिर फाइनेंस सेक्टर से महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग और अनरजिस्टर्ड कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है। यह प्राइमरीली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए डाइस, जिग्स, फिक्स्चर्स और टाई कास्टिंग कंपोनेंट्स बनाती है। इसका मार्केट कैप 8,000 करोड़ रुपीस व करंट प्राइस 7,600 रुपीस है। यह 249% का डिविडेंड पे आउट दे रही है। इसका शेयर प्राइस 53% की रेट से पड़ रहा है। थैंक यू। सो दैट्स द काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वी आर टॉकिंग अबाउट। सो दैट्स वन ग्रुप एंटायर पीएसयू बास्केट्स, वेदर इट इज ऑयल कंपनीज, वेदर इट इज बैंक्स, वेदर इट इज देयर आर होल लॉट ऑफ कंसोलिडेटेड मोनोपोलिस्टिक इन डिफेंस वर तो भी they have become the real blue chips. So, so, but that's where you find